पल 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 हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। सो कैसे हो सारे, स्वागत आपका अमृतसरी आरके में। नमस्ते सभी को। एंड गाना पल 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 कटने का तो नहीं है, पर बात ये है कि आज जब वीडियो देख रहे हो वो आप समझ लो कि मतलब तहलका है, क्योंकि ये मेरी 365 डे व्लॉग है। क्योंकि पिछले साल 2018 में बेंगलोर में जो मैंने पहला व्लॉग बनाया था वो 18 अगस्त को शुरू किया था, और आज 18 अगस्त है एंड और 19 को व्लॉग आया था, लेकिन ये वीडियो आज ही आ रही है जी। तो देखो एंड आई होप एंजॉय करो आप इस बात को। सबसे पहले यार थैंक यू सबको इतना सारा प्यार देने के लिए, और देते रहो, वॉच टाइम बढ़ाओ मेरा थोड़ा। अभी ऐड नहीं आनी हुई है, मतलब मुझे लगा था कि एक साल हो जाएगा तो बात बन जाएगी, पर थोड़ा स्लो हो गए हम। 406-407 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, पर वॉच टाइम में आप अच्छी हेल्प कर रहे हो। जैसे वॉच टाइम चल रहा है चलने दो, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं एंड बस सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो एंड बात बनाते रहेंगे हम। तो मतलब मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चंस पिक करूँगा जो कि मेरे को पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो ताकि यार, और ये मैं किसी भी कंपनी को ऐसे मतलब प्रिसाइजली नहीं बोल रहा कि ऐसे पंगे पड़ जाते हैं, तो मैं पूरी आईटी सेक्टर की बात करूँगा हर क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो मुझसे बहुत पूछा जाता है वो ये है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है? देखो भाई, इंडिया में कोई भी एमएनसी है, उन सारी एमएनसीज का, भले वो इन्फोसिस हो, एसेंचर हो, कैपजेमिनी हो, टीसीएस हो, फिर और कोई भी एमएनसी हो जिसमें लाखों में एम्प्लॉयज हैं, यार लाख अगर एम्प्लॉयज है ना तो समझ लो, लाख क्या 10,000 भी एम्प्लॉयज है ना किसी कंपनी में तो समझ लो कि उसका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा ही होगा। 10,000 बंदा सिर्फ पैसे के पीछे भागता नहीं आ गया उसके लिए पास, L&T हो गई, तो कुछ चीज़ें होती, कुछ फैसिलिटीज देती है कंपनीज, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आगे डिपेंड कर जाता है, पर अभी पहली जो चीज़ होती है वर्किंग एनवायरनमेंट, हर एमएनसी में अच्छा एनवायरनमेंट होता है। ऐसे ही नहीं मतलब बैठे हैं वो भी आपको मतलब खुश रखेंगे तो ही उन, मतलब यार देखो कौन सी कंपनी में मैं बोलूँगा कि यार खराब एनवायरनमेंट है, खराब एनवायरनमेंट होगा तो एक प्रोजेक्ट आएगा उनके पास, वो सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग खराब एनवायरनमेंट में क्या करके देंगे उनको, कुछ नहीं। तो एनवायरनमेंट का बहुत क्वेश्चन था कि आईटी कॉलेज में एनवायरनमेंट कैसा होता है, तो एनवायरनमेंट हर कंपनी का अच्छा होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट आगे प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता था कि मैनेजर कैसा है, टीम लीड कैसा है। दूसरा सवाल कि अगर आप बीटेक के बाद प्लेस होते हो तो आपकी पोस्ट क्या है, किसी भी आईटी कंपनी में आपकी पोस्ट होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि जनरली कुछ कंपनीज में उसको एनालिस्ट बोलते हैं, कुछ कंपनी में उसको एसोसिएट बोलते हैं। ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल था कि आप एनालिस्ट सिलेक्ट हो गए हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी सिलेक्ट हो गए हो, अब कंपनी में आ गए हो, क्या आपको क्या पोस्ट देंगे? डेवलपर, टेस्टिंग में डाल देंगे, सपोर्ट में डाल देंगे, या बेंच पे एंजॉय करोगे? तो ये चारों ही ऑप्शंस खुली हैं आपके लिए, ये आप पे भी है और कंपनी पे भी है, मतलब आप समझ लो कि 80-90% आप पे है कि आपको किस तरह किस प्रोजेक्ट के लिए जाना है। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैं बताऊंगा कि कैसे, यार देखो आप पे ही निर्भर करता है, आपको ज़्यादातर कॉल्स आती हैं, कई जगह पे तो ऐसा होता है कि आपको पहले लोकेशन दे दी जाती है बाद में प्रोजेक्ट दिया जाता है, कई कंपनीज में होता है कि पहले प्रोजेक्ट दिया जाता है बाद में बताया जाता है अच्छा आपकी ये लोकेशन आई है, तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अच्छा पाँचवा क्वेश्चन है कि भाई पीजी का रेट क्या है, तो भाई पीजीज के रेट बहुत वेरी करते हैं, चाहे आप मुंबई में हो, मुंबई में भी मेरे दोस्त हैं, पुणे में भी मेरे दोस्त हैं, हैदराबाद में भी मेरे दोस्त हैं, बंगलौर में तो मैं ऑब्वियसली खुद भी हूँ ही, तो चेन्नई में मुझे लगता है कि वही रेट होने चाहिए जो बाकी चार सिटीज़ में हैं, वो प्राइस है 5,000 से पीजी के रेट स्टार्ट हैं जी, वो 3 शेयरिंग के हो गए कई जगह पे, 4 शेयरिंग के थोड़े 4,500 के आसपास चले जाएंगे, पर 3 शेयरिंग का ही रेट होता है 5,000, उससे पीजी शुरू है, उसके बाद जो बजट है उसमें मिलेगा आपको खाना। और हाँ, पर खाना बहुत वेरी कर जाता है, आपकी सिटी में हो, मुंबई पुणे में हो तो थोड़ा मराठी टच आ जाता है खाने को, क्योंकि पर ये चारों सिटीज काइंड ऑफ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया हैं, तो वो आपको इडली डोसा वगैरह वो सब खाने को मिलेगा ही। ये 6 क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ मैं खाने की बात, तो ये सब मिलेगा ही, पर जो इडली डोसा वगैरह है वो तो मतलब आपको एज अ ब्रेकफास्ट मिलेगा ही,
कहीं 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 पीजी में एक टाइम पे परौंठा भी मिल जाता है तो बट हाँ ये है कि चावल सांभर से खेल नहीं जुड़ा हुआ। साउथ में आया तो चावल सांभर यार एक उनकी ट्रेडिशनल डिश जैसे हमारे यहाँ पे हम रोटी खाते हैं सब्जी के साथ, वहाँ पे चावल के साथ सांभर उनका है रसम खाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो यार हाँ मैं नहीं कहता बुरा हूँ, मेरे भी एक टाइम पे हुआ था कि कुछ और बना है छोड़ो पहले चावल सांभर पे फोकस करते हैं हम। तो ये हुआ, ये हो गए 6 या 7 क्वेश्चन है ढूंढ लूँ मैं इतना खोया जाता हूँ बातों में। चलो फिर भी मैं 3 या 4 सवालों के और जवाब देता हूँ। और सवाल आया था कि भाई ट्रेनिंग के टाइम पे कंपनी रहने को देती है यानी कंपनी टू कंपनी बहुत वेरी कर जाता है, TCS ज़्यादातर अपने कोई फ्लैट्स उन्होंने लिए होते हैं वो वहाँ पे ठहराती है, कैपजेमिनी नहीं ठहरवाती है, इन्फोसिस की ट्रेनिंग होती है तो आपकी मैसूर में होती है जहाँ पे पूरा वो एरिया ही उनके पास अंडर होता है, एसेंचर होटल में ठहराती है, तो हर कंपनी का अपना अपना वेरी कर जाता है। तो ये 4 कंपनीज के मैंने जो मेन नाम लिए इसमें मैं और मेरे ज़्यादातर दोस्त जो प्लेस हुए हैं आई थिंक। और क्वेश्चन आया था लोकेशंस कि भाई हमें ये लोकेशन मिल गई, अच्छा ट्रेनिंग की लोकेशन का आ गया यार ट्रेनिंग जब आपको स्टार्टिंग में लोकेशन दी जाती है ना तो वो आप एटलीस्ट ट्रेनिंग के टाइम तक नहीं बदल सकते, आपको बंगलौर बुलाया आना ही पड़ेगा। तो 5 लोकेशन कौन कौन सी होती है, बंगलौर पुणे मुंबई हैदराबाद चेन्नई और कुछ दिल्ली भी होती है बहुत रेयर चांसेस में, दिल्ली कोलकाता भी मैंने दिल्ली कोलकाता मैंने इतना नहीं सुना है। ये 5 जब आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया तो आपको इसी लोकेशन पे आना है, बाद में वो आपके हाथ में है कि आप प्रोजेक्ट के बेस पे किस तरह के बेस पे आप करवाते हो या नहीं। उसका अगला क्वेश्चन है कि भाई जो हम प्रेफरेंसेस डालते हैं लोकेशन की वो मिलती हैं शायद किस्मत पे है, मतलब मुझे तो मिली मेरे दोस्तों को नहीं भी मिली ऐसा कुछ नहीं है, मतलब प्रेफर्ड लोकेशन ज़्यादातर कंपनी सिर्फ देखती ही हैं करना या नहीं करना उन पे है, ज़्यादातर चांसेस कम बहुत कम होते हैं कि आपको आपकी प्रेफर्ड लोकेशन मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन खाने का भी मैंने बता दिया है एंड यार चिंता मत करो सारी कंपनीज में खाना अच्छा मिलता है, कंपनीज बहुत ध्यान देती हैं कि वो एम्प्लॉयज़ को क्या खाना दे रही हैं, सारे खाने पेड होते हैं, कंपनीज के अंदर खाना फ्री नहीं होता पर कुछ कंपनीज में चाय दूध कॉफ़ी ऐसी चीज़ें फ्री होती, कुछ कंपनी में मशीन्स लगा देती उससे भी लोगे तो फ्री हैं, बाकी नीचे कैंटीन में अलग काम होता है नहीं होता है। तो ऐसे ही खाने का भी आपको हर एक कंपनी अच्छा खाना देती है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं खाना कहाँ खाऊंगा, कंपनी पैसे देती है कि फ्री देती है या बाहर जाना पड़ता खाने को, नहीं है अच्छी खासी कैंटीन होती है हर कंपनी में एंड और कोई सवाल है गेटिंग इज हाँ तैयारी कैसे करें, तो ये सवाल लेता हूँ मैं और इसके बाद एक और लास्ट सवाल लेता हूँ मैं। तो भाई हमने हमारी प्लेसमेंट हो रही है हमें एप्टीट्यूड की कैसे तैयारी करें, एप्टीट्यूड की भाई आप ऐसे तैयारी करो पहले तो देखो कि आप कुछ आपके पास हल्के फुल्के क्वेश्चन आ रहे हैं यार आप ऑनलाइन एक गूगल मारोगे ना एक ऐप टाइप करो कोई भी किसी भी कंपनी का टाइप करो एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर वो कोई टेस्ट खुल के आता है ना अगर वो 10 सवाल है अगर 10 में से आप उसके ना 8-9 कर पा रहे हो जनरली कोई भी 8-9 कर पा रहे हो तो आई गेस आप को तैयारी करने की जरूरत नहीं है, अगर उसके 5-6 कर पा रहे हो तो थोड़ी तैयारी करो, अगर 2-3 कर पा रहे हो तो कहीं से पढ़ लो क्या पुरानी 6th, 7th, 8th, 9th की थोड़ी बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, सीधी बात है यार लॉजिकल रीजनिंग बीच में ही आ जाती है। मैं सिर्फ 2 हिस्से मानता था एप्टीट्यूड को कि एक मैथ्स का पढ़ता है कि इंग्लिश का पढ़ता है, तो बाद में इन्होंने मैथ्स को ऐसे डिवाइड किया ये मैथ्स अलग डाटा इंटरप्रिटेशन अलग लॉजिकल रीजनिंग अलग, ये क्या बोले अब ये हो गया एप्टीट्यूड की तैयारी। बाद में आता है कि यार सूडो कोड्स आते हैं आजकल या कोडिंग राउंड्स होते हैं उसमें बस बेसिक कोडिंग आपको आउटपुट्स पता मतलब पता होनी चाहिए यानी कि समझ आ जाना आपको कोड रीड करना आना चाहिए कोड रीड करके इसका आउटपुट क्या बन सकता है, ये कोड में अगर गलती ढूंढ पाओ तो वो भी ठीक है और थोड़ा बहुत तो बेसिक प्राइम नंबर टाइप्स कोड लिख पाओ तो आई गेस आपका वो जो कोडिंग राउंड होते हैं या रिटन कोडिंग राउंड होते हैं छोटे मोटे एवरेज नंबर्स कुछ भी ऐसा कुछ कोड आपको लगता है तो इतना ही पूछेंगे। और उसके बाद ये 2 और उसके बाद आता है आपके पास टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू में जो होते हैं क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आता है तो उसके में क्या होता है कि यार जो आपने रिज्यूमे में लिखा होता ना वो उसके बाहर से पूछता ही नहीं आपको, तो रिज्यूमे ज़्यादा छोटा भी नहीं पर एक एवरेज रिज्यूमे के साथ क्रिस्प रखो कि मेरे को ये आता है और जिसके आपको लगता है ना कि आप हल्के डोल जाओगे उसको लिखो ही मत रिज्यूमे में, अगर आप फ्रेशर हो तो एक्सपीरियंस की तो मैं बात नहीं करता क्योंकि फ्रेशर एक आधी लैंग्वेज भी लिख देता ना तो बहुत है और एक आधा प्रोजेक्ट लिख देता तो बहुत है, मैं बोल रहा हूँ ना तो बहुत है एक
लैंग्वेज ऑफ द प्रोजेक्ट, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ 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 इंटरव्यूज होते हैं डी चले जाते हैं, कुछ कुछ हल्का सा ही उठ के फिर आपको थोड़ी जनरल नॉलेज पूछ लेते हैं। मेजोरिटी आईटी कंपनीज में अगर आपने टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लिया, यू आर इन द कंपनी। मैं 99% बोल रहा हूँ, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपने टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर किया और आपने एचआर इंटरव्यू में आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो चांसेस बहुत लगे हैं। पर अगर हम टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लिया, यू आर इन। एचआर राउंड बस आपसे हल्का वगैरह पूछा जाता है कि नाइट शिफ्ट कर लोगे, अपने पेरेंट्स का अपने इंट्रोडक्शन वगैरह, तो हल्का सा आई गेस ये मार लोगे। अच्छा लोग एक बीच में थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह पूछते हैं, भाई देख इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही देना होगा, अगर उतनी इंग्लिश बोल लेते हो वेल एंड गुड। कंपनीज में मैंने लोगों को लोकल लैंग्वेजेस भी बोलते देखा है, और जब मैंने स्टार्टिंग में सुना था तो वो बोलते थे लोकल लैंग्वेजेस नहीं बोलनी होती हैं, इंग्लिश बोलनी होती है, या हिंदी भी आई गेस ज़्यादातर अलाउड नहीं होती कंपनीज में, पर बोलते हैं। ऐसा नहीं है सर, आप इंटरव्यू देने जितनी सी हलो आगे चल जाएगा काम। एंड लास्ट में लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और प्लीज बधाइयाँ थोड़ी दे देना मुझे नीचे की, मेरा एक साल हो गया, ये 365th व्लॉग है, 365th व्लॉग है ये। एंड लास्ट क्वेश्चन ये था कि आपको अगर मेरे से बात करनी है तो कैसे करो, कमेंट के थ्रू तो आप कर ही सकते हो, उसी चीज़ है कि यार इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, आर के जो नीचे आर के लिखा हुआ, आर के द ऋषभ कुमार, आर के टी एच ई आर आई एस एच ए बी एच के यू एम ए आर, इंस्टाग्राम पे ये अगर टाइप करके डाल दोगे मिल जाएगा। और सीधा चैट में क्लिक मत करना, पहले फॉलो कर लेना, उससे क्या होता है कि चैट मुझे डायरेक्टली इजीली आ जाती है। अगर फॉलो नहीं करते हो तो चैट में आने में प्रॉब्लम आती है कि वो आपको आता है कि ये रिक्वेस्ट है, ये आपकी चैट करनी है, तो फॉलो कर लो, इजी पड़ जाएगा आपको भी और मेरे को भी। तो यही है यार, यही था हमारा एक साल का जो जर्नी है आपके साथ, मेरी और मेरे साथ आपकी, तो आई गेस दोनों की अच्छी रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें। नमस्ते।